महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ो, ये तो डूब मरने की बात है कि तुम्हारी कोख इतनी बांझ हो गई कि जो महाराणा प्रताप जैसे, भगत सिंह जैसे और ऐसे वीर जो अपनी टंकार से इस पृथ्वी को हिला दे, तुम उनको पैदा नहीं कर पा रही हो, इसलिए तुमको दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ना पड़ रहा है। सत्य ये कहते हैं कटु होता, सत्य जितना मधुर और मीठा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर व्यक्ति असत्य की बुनियाद पे जी रहा है तो उसको कटु लगेगा। जैसे अभी सोशल मीडिया आपको एक चाबी दे रहे हैं, उन्होंने पूछा युवा कैसे बचें, पलटवार करो पूरी शक्ति से, वो भीड़ भाग जाएगी जो गुमराह करने वाली है। हाँ, पलटवार करने का तरीका, भाई छोटी छोटी बातों के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, आप गाड़ी चला रहे हो लाइसेंस चाहिए, बेशक अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप महामूर्ख भी हैं तो भी स्टेयरिंग पकड़ के घूम सकते हैं, जबकि ड्राइविंग के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो एक स्किल है, कला। कला कागज के टुकड़ों की मोहताज नहीं होती। युवा कह तो देते हैं, लेकिन 25 साल के बूढ़े देखे हैं मैंने आदरणीय, 25-25 साल के बूढ़े लड़के, पैंट यहां निकली हुई है, बेल्ट बांध के खींच के रोक रखी है, नहीं तो निकल ही जाए। नाम बलवान है, घुटनों पे हाथ रख के खड़ा हो रहा है, नाम वेद प्रकाश है, गुरुकुल की शक्ल नहीं देखी है, तो ठीक है संख्या में तो हम कम से कम अभी नंबर वन पे चल रहे हैं। भगवती आपकी वाणी को सिद्ध करें, पुनर्जागरण की वेला आ चुकी है, पूरे विश्व में सनातन का शंखनाद हो रहा है। सुकरात, ये सुना हुआ नाम होगा, और स्कूल कॉलेजों में मैंने बहुत मूर्खों को ऐसा पढ़ाते हुए सुना कि दर्शन शास्त्र के पितामह, ठीक है ये उनकी अज्ञानता है, हम क्या करें। सुकरात एथेंस में उधर दो चार लोगों को व्याख्यान करते थे, दो चार पांच लोग, कभी कभी ज्यादा भीड़ जुटती थी तो पांच आदमी भी आते थे। दर्शन शास्त्र के पितामह, एथेंस की कुल आबादी जिस समय सुकरात थे, वही लोग अपनी किताबों में ऐसा लिखते हैं कि 5000 थी कुल आबादी। 5000 लोग तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ऐसे पड़े हैं जिनकी टिकट ही कंफर्म नहीं हुई है, कई दिन से पड़े हैं, और हर व्यक्ति वो कुछ खाने के लिए अपनी जेब से निकाले और एक आध चीज गिर जाती है तो दो चार सुकरात गिर जाए, इतना ज्ञान लेके पड़ा है। लेकिन हम अपनी चीजों को वैल्यू नहीं देते हैं, और पलट के पूछना आता नहीं है तो बस स्मृति भ्रंश। आपने ये कहा कि कैसे दो ग्रुप फेसबुक पे हैं, फेसबुक का मतलब नहीं है, डिजिटल माध्यम जो भी हैं, एक सही मार्ग बताने वाला और एक मार्ग को भटकाने वाला। सही मार्ग बताने वाले गिने चुने हैं, भटकाने वाले तो भैया उनकी तो फौज है। वे जो लोग हैं भटकाने वाले, उनसे युवा कैसे बचें, यही पूछा ना, और सही दिशा में कैसे आए। उनसे बच जाओगे, बहुत छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, सत्य ये कहते हैं कटु होता, सत्य जितना मधुर और मीठा कुछ भी नहीं होता। हां, अगर व्यक्ति असत्य की बुनियाद पे जी रहा है तो उसको कटु लगेगा। जैसे अभी सोशल मीडिया आपको एक चाबी दे रहे हैं, उन्होंने पूछा युवा कैसे बचें, पलटवार करो पूरी शक्ति से, वो भीड़ भाग जाएगी जो गुमराह करने वाली है। हां, पलटवार करने का तरीका, सुसंस्कृत तरीका। जैसे अभी एक मुद्दा चला हुआ है, वर्तमान अपडेट जो है बागेश्वर धाम, और कोई एक लफंगा श्याम मानव उसका नाम है, और वो बागेश्वर धाम की कही गई बातों की वैज्ञानिकता जांच रहा है या प्रूफ मांग रहा है। हम इतने निर्वीर्य हो गए हैं कि कोई राह चलता
व्यक्ति कुछ भी कह दे, हम सफाई देने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। वे जो भटकाने वाले लोग हैं, युवाओं से मैं ये कहना चाह रहा, पलट के हर प्रश्न का उत्तर उत्तर नहीं होता, प्रश्न का उत्तर बहुत बार प्रति प्रश्न होता है। आप उससे पलट के ये पूछो, उस लफंगे से, कि वैज्ञानिकता की अगर आप इतनी हिमायत कर रहे हैं, कर रहा है ना, तो आप ये बताइए कि आपके घर में एक व्यक्ति घूम रहा है और आप उसको आज तक 45-50 साल के हो गए पिता मान रहे हो, क्या वैज्ञानिकता का आधार बना के आपने डीएनए चेक करवाया सच में तुम्हारा पिता है या नहीं? हो सकता है अंधविश्वास हो, किसी दो कोड़ी के व्यक्ति की करामात हो, इसीलिए तो हिंदुत्व पे ऐसी बातें कर रहा है। सत्य बड़ा मधुर है, प्रेम से पूछो कि इसकी वैज्ञानिकता है या ये अंधविश्वास, ये वो आपके घर में व्यक्ति घूम रहा है आप उसको पिता मान रहे, चुप हो जाएगा, भाग जाएगा मंच छोड़ के, जवाब ही देते नहीं बनेगा, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अभी मैं बच्चों के साथ आ रहा था तो इन्होंने ये कहा कि महाराज जी इनको कैसे चुप कराएं, इनसे कैसे बचें, जो आप पूछ रहे हैं यही बात पूछी कि युवा इनसे कैसे बचें। भैया तरीका है ना बचने का, कोई हमसे ये पूछे कि महाराज आपने बीटेक कहां से की, या धर्मशास्त्रों का अध्ययन कहां से किया, या उन 36 जिलों के नाम बताओ जो आपने अभी अभी यहां मध्य प्रदेश में 5 सालों में अटेंड किए हैं, जिले और तहसील, और मैं ब्यौरा देने बैठ जाऊं, यह एक सामान्य व्यवहार जो आजकल के युवा कर रहे हैं। नहीं, पलट के हम उससे यह पूछें, क्या कोई भारत सरकार का या किसी संगठन का या किसी संस्था का विधिक प्रमाण पत्र आपके पास है? आपको हमसे यह बात पूछने की आज्ञा किसने दी? भाई छोटी छोटी बातों के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, आप गाड़ी चला रहे हो लाइसेंस चाहिए, बेशक अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप महामूर्ख भी हैं तो भी स्टेयरिंग पकड़ के घूम सकते हैं, जबकि ड्राइविंग के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो एक स्किल है, कला। कला कागज के टुकड़ों की मोहताज नहीं होती। उससे पलट के पूछो कि आपको यह बात पूछने का अधिकार किसने दिया, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? वहीं चोंच बंद हो जाएगी, दुम दबा के भाग जाएगा। युवाओं को पलट के पूछने की आदत डालनी पड़ेगी उस दूसरे समूह से जो अनावश्यक रूप से एक्टिव है और आपकी परंपराओं का, आपके पूर्वजों का, आपके यशस्वी पुरखों का, आपके शस्त्र शास्त्र का मान मर्दन करता है, उससे पलट के पूछना शुरू करो। वो दूसरे ग्रुप से आप अपने आप युवा बच जाएंगे, एक ही ग्रुप रह जाएगा, बस इतना ही। स्वामी जी, अगला प्रश्न ये उठता है कि भारत के बारे में बताया गया है कि भारत सदैव से एक युवा राष्ट्र रहा है और वर्तमान में दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। इस युवा राष्ट्र की जो शक्ति है, इस युवा राष्ट्र की जो ऊर्जा है, वो युवाओं में समाहित है। सही। आने वाले भविष्य का भारत वो इन युवाओं की दृष्टि में कैसा होना चाहिए और उनके आदर्श और प्रतिमान क्या होना चाहिए? बहुत सही, क्योंकि अभी तो आदर्श कोई भी हो सकता है, पता नहीं उसका तो आदमी जैसा मुझे मुंह भी नहीं दिखता, शाहरुख खान भी आदर्श हो सकता है, अभी तो हालात पता नहीं कैसे आ गए हैं। जैसे कोई पुरानी आलू की बोरी उसको उठा के खूंटी पे टांग दो, ऐसा शरीर है, सिक्स पैक दिखाते हैं और आदर्श बना देते हैं, फेक छवि गढ़ी जा रही है इस समय। भारत, आपने कहा कि युवाओं का देश रहा, अभी भी आंकड़े हैं कि युवाओं का देश है तो युवाओं का देश, ये तो बात सत्य है, लेकिन युवाओं में युवापन भी होना चाहिए, उम्र से युवा नहीं। अभी आए बैठे हैं, ये देखो ये तेजस्विनी भगवती अभी यहां से उतर के गई हैं, 15-20 साल की कन्या में वो तेज नहीं हो सकता जो इस समय इनके अंदर है। ये है युवापन, ये भारत युवाओं का देश है। उम्र आपको जीत नहीं सकती,
जिस समय महाभारत में अर्जुन युद्ध कर रहे थे, जहां तक पूर्वाचार्यों से मैंने सुना 85 साल के थे। 85 साल के आदमी से इस समय चाय का कप ना उठे, उठाए तो चाय गिरा दे, इतना हाथी ले। और वहां वे यशस्वी धनुष की टंकार से पृथ्वी कांप रही थी। ये होते हैं युवा। आपने पूछा कि भारत युवाओं का देश रहा है, अभी भी सर्वाधिक युवा हैं, और इनका आगे का भविष्य कैसा होना चाहिए और इस समय कैसा इनको परोसा जा रहा है। देखो, युवाओं की गलती नहीं है भैया। अगर युवा इस समय भटके हुए हैं, ऐसा मुझे बहुत जगह बुजुर्ग लोगों से सुनने को मिलता है कि वो भटक गए हैं। युवा भटके नहीं हैं, असलियत ये है कि वे मार्ग ढूंढ रहे हैं, लेकिन सही मार्ग बताने वाले लोगों का अकाल पड़ गया है। अभी एक कैरी में आती है फेसबुक पे, उधर वो पता नहीं यूट्यूब पे, वो गाली गलौच ही करते हैं 5-7 मिनट। जैसे ही वीडियो डाला 2-10 मिलियन व्यू आ गए। यहां भगवती साक्षात अपनी जीव वहां से यशोगान कर रही हैं आपके यशस्वी राष्ट्र का। यूट्यूब पे सुनने वाले हजारों में मिलेंगे, लाखों की तो बात ही छोड़ दो, नहीं है। कहां गए लोग, हो गए ना परिदृश्य से गायब। कारण ये कि सही लोगों की सही बात की सही जगह पहुंच नहीं है। उसके लिए तमाम सोशल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया फलाना डिनका जो भी, अपने को उतना नहीं पता। युवाओं को, और युवाओं का मतलब यहां ये भी मत समझना के लड़के, युवाओं का मतलब दोनों, लड़के लड़कियां। युवा कहने से लड़के होने का भ्रम भी पैदा हो जाता कई बार। इनका खुल के प्रयोग करें, खुद नहीं पता, अपने पूर्व आचार्यों, अपने यशस्वी पुरखों से पूछें, सीखें, जानें। हाजिर जवाबी, जरूरी नहीं कि आपके पास एकदम खरा करेक्ट फैक्ट ही हो, कई बार नहीं होता, लेकिन जान के पता करके सीख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, युवा कैसे होने चाहिए, कैसे थे और कैसे हैं वो बाद में बात करेंगे। कैसे थे, अंगद, सुना नाम, प्रसिद्ध युवा हैं, इतने प्रसिद्ध हैं। तीसरा युग आ गया, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आज भी हम उनका नाम यहां ले रहे हैं। पड़ोसी का लड़का घूम रहा हो, शकल देख के आप पहचान ही नहीं सकते चिंटू है या मिंटू या कौन है, गायब हो गया बिल्कुल। युवापना देखो कैसे दिखा रहे हैं। रावण की सभा में गए, जाके ऐसे अकड़ के खड़े हो गए पैर रख के, तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे एक बालक अदना सा और यहां महामहिम लंकापति त्रिलोक विजेता, अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं। तुम पता है तुमको किसके सामने खड़े हो, रावण के। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा तुम ही हो क्या वो रावण जिसको कार्तिकवीर्य सहस्त्रार्जुन ने वहां बांध लिया था, घुड़साल में पीटता था 6 महीने तक। एकदम ऐसे चेहरा उतर गया। अपनी बात रखने का तरीका, वे जो दुष्ट शक्तियां हैं, प्रतिघात, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, वीर्यपूर्ण, मरा गिरा नहीं। मिमिया के अपना परिचय नहीं दिया मांगद, उसने कहा कि अच्छा वही रावण जिसको बाली ने ऐसे हाथ के नीचे दबा लिया था, तो भूल ही गया कि नीचे कोई दबा हुआ है। बिल्कुल ही बल प्राण निकल गए, चेहरा पीला पड़ गया। तो युवाओं को अपने आदर्श, अपने प्रतिमान, ऐसे यशस्वी पुरखे, ऐसे यशस्वी पूर्वज बनाने चाहिए। अंगद तो एक नाम है, कितने जीवा थक जाए
लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी भगवती ने कहा कि 1860 से पहले का जितना इतिहास आप उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। इस समय भी भारत युवा राष्ट्र है संख्या में, किस चीज में? संख्या में। कारण, कारण ये कि शिक्षा संस्थानों पे ऐसे अधम पातकों का कब्जा है कि सही चीजें युवाओं तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और तेजस्विता की कमी। अभी तो युवा ठीक है, अपन लोग दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, युवा कह तो देते हैं, लेकिन 25 साल के बूढ़े देखे हैं मैंने आदरणीय, 25-25 साल के बूढ़े लड़के, पैंट यहां निकली हुई है, बेल्ट बांध के खींच के रोक रखी है, नहीं तो निकल ही जाए। नाम बलवान है, घुटनों पे हाथ रख के खड़ा हो रहा है। नाम वेद प्रकाश है, गुरुकुल की शक्ल नहीं देखी है। तो ठीक है, संख्या में तो हम कम से कम अभी नंबर वन पे चल रहे हैं। भगवती आपकी वाणी को सिद्ध करें, पुनर्जागरण की वेला आ चुकी है। पूरे विश्व में सनातन का शंखनाद हो रहा है। हाँ, ये कोई फेक नैरेटिव नहीं है, आप उन लोग फेक क्यों कहेंगे भैया। एक अफ्रीकन औरत है, वो काफी यूट्यूब पे चर्चित हैं, अच्युत गोपी, नाम सुना हो तो, नहीं तो अब बाद में ढूंढ लेना। कृष्ण के गीत गाती हैं, मिलियनों लोग देखते हैं। एक अमेरिकन पॉप सिंगर है कोई, बिंदी एंड बेंगल्स, इस टाइटल से गीत गाया है उन्होंने, मिलियनों लोग देख रहे हैं। जापानी एक गायक हैं लड़के, शिव, भगवान शिव को अपना इष्ट बोलते हैं, गीत गाते हैं, मिलियन ट्रिलियन लोग देख रहे हैं। तो भैया उस पे कहानी चुटकुलों की बजाय हम ये सार्थक पहल भी कर सकते हैं, अपने यशस्वी पुरखों की महिमा और यशोगान निरंतर, और इस समय जो संसाधन सबसे ज्यादा प्रभावी हैं उनके ऊपर लगातार दृष्टि और पलट के जवाब देने का साहस, ऐसे गिरे मरे मिमियाते ना बने कि कोई हम से कुछ पूछ ले। अभी उन्होंने पूछ लिया कि ये रामचरितमानस तो ढोलगवार सुद्रप सुनारी, तुलसीदास तो स्त्री द्रोही है। भैया ये बात तुलसीदास से पूछनी थी, पहली बात। जो लिखेगा वो अपने लिखे का उत्तरदायी है। दूसरी बात, अगर हम अपने यशस्वी पुरखों की असली तेजोमयी संतान हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ के और उसकी तुरंत सेवा, मुंह से नहीं कान के नीचे। तीसरी बात, अगर तुलसी सच भी कह रहे हैं तो अपने पुरखों पे और अपने धर्म ग्रंथों पे और अपने अपनी परंपराओं पे आक्षेप और आरोप उठाने वाला निश्चित ही क्षुद्र या पशु है। फिर तुलसी की बात सच मानो और उसकी ताड़न ही करो खूब, हां तभी काबू में आएगा। निमिया के जवाब देने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। गर्व और गौरव अपने परंपराओं और अपने प्रतीकों पे। पूछ रहे हैं कि आगामी भविष्य में इनका रोल कैसा होना चाहिए युवाओं का। सुनो, युवाओं का रोल कोई फ्रॉडगिरी नहीं सिखा रहा, यह आत्मबल की बात बता रहा हूं, होना चाहिए। जब मुझे पहली पहली बार माइक पकड़ा ना, जीवन में पहली बार ऐसे झुरझुर सी आई, कप कपी आती है ना। ये देखो, जैसे ये खड़ा, ये अंग्रेजों की इजाद है। आदरणीय रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने या आपने, आप दोनों में से ही हमने किसी के मुंह से सुना कि अंग्रेजों की इजाद है। जो माइक लेके कांपते थे ना, उनकी ऐसे पेंट कोट कांपते थे, तो इसके पीछे खड़े होके बोलते थे। भारत के यशस्वी तेजस्वी आचार्य आंख में आंख डाल के आपके सामने खड़े होके बात करते हैं, उसकी अपने को जरूरत क्या है। तो मैंने पहली बार माइक लिया तो ऐसे, शिवपुरी मध्य प्रदेश के एक भाई थे, उन्होंने हमारे हाथ से माइक छीन लिया और ये कहा कि जाके बैठ जाओ। हरियाणा के बिल्कुल डंगर ही रह गए। अब आजकल की शिक्षा से पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, डिप्रेशन में आ जाए,
100 नंबर की परीक्षा है, अगर 98 नंबर आए तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। भाई गुरु गोरखनाथ के पास क्या डिग्री थी, प्रभु श्री राम के पास क्या डिग्री थी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास क्या डिग्री थी, वीर बजरंग बली के पास क्या डिग्री थी। डिग्रियों से व्यक्तित्व तय नहीं होता, आपके यशस्वी पुरखों के कारण, उनके नाम के कारण आज ये पृथ्वी चल रही है। डिग्री डिप्रेशन में आ गए, नहीं डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। कैसा हो उनका आगामी भविष्य युवाओं का, उसके बारे में एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे अभी वीडियो में बता दिया कि वो बीटेक मैकेनिकल हैं, और गरीबी थोड़ी ज्यादा थी, मैंने सुना विदेश में पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो 20 साल का था मैं, 21वें में लगाई था, कंप्यूटर से रंगीन कॉपी निकलवाई बीटेक मैकेनिकल डिग्री की, और एक इतनी मोटी फाइल बनाई झूठी मूठी, पानीपत होटल माई इंडिया में इंटरव्यू आया हुआ था, मैं पहुंच गया, जाके पासपोर्ट रखा, वे कागज रखे, वे आपस में कुछ बातें किए ऑक्सी कंपनी की, और बातें करके जैसे जिसको इंग्लिश ना आती हो तो शर्मा जी बैठे थे उसको हिंदी बना के बताने के लिए, तो उन्होंने हमको हिंदी बना के बताई कि शर्म नहीं आती, बोला अरे गर्व का विषय है बाहर देश जा रहे, तो बोले कि जेल जा रहे, वो ये कह रहे हैं कि सारे कागज तो फेक हैं नकली। आपको रियलिटी बता रहा हूं, डिग्री हमको बहुत बाद में मिली, हमने वो कागज ऐसे गोल गोल किए और गोल करके ऐसे मारे टेबल पे, मैं कहा कि इनको अब अंग्रेजी बना के बता दो इनको कि डिग्रियां नकली हैं, 3000 रुपए में कंप्यूटर से निकलवाई हूं, पहले टीवी जैसे कंप्यूटर नहीं आते थे, 3000 में। दूसरी बात भी इनको बताओ, डिग्री नकली हो या असली, इनके ड्रॉवर में पड़ी रहनी थी। और तीसरी बात बताओ, डिग्रियां बिल्कुल नकली हैं, छोरा असली है कंपनी में काम करेगा। इस बात पे 20 साल की उम्र में ऑक्सी में सिलेक्शन होके गया था पहली बार, हां बिना कागजों के। यह बात इसलिए बता रहा हूं, अपन लोग फ्रेब करना नहीं चाह रहे थे, छल करना नहीं चाह रहे थे, वो अपनी जरूरत थी, हर व्यक्ति की जरूरत है। अर्थ के बिना भैया काम नहीं चलता है समाज में संसार में। चाणक्य कह रहे हैं धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म के मूल में अर्थ है, अगर जेब खाली है नहीं कर पाओगे कुछ भी। अभी अभी एमए की डिग्री है, बीए की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, और फलानी इनकी डॉक्टरेट कर रखी है, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, और ऐसे बकरी की तरह इंटरव्यू में मिमी आते हैं। ये युवा युवा होने के लक्षण नहीं है, ये तो बकरी होने के लक्षण है। हां तेजस्विता होनी चाहिए, नए अवसरों को युवाओं को लड़के लड़कियों को कैच करना चाहिए। इस समय प्रतिभा पलायन एक बड़ा मुद्दा है, अच्छे वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग विदेशों में जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि छोड़ो, वो तो अपनी मर्जी से जाते हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप जा सको जाओ ना, क्या दिक्कत है। मेरे को दिक्कत सिर्फ टूरिस्टों से है, ये दो कौड़ी के नेता वो चूड़ीदार पजामा पहन के यहां चारा खा गए, फलाने दिन की चीजें खा गए, और फिर भारत का पैसा टूरिस्ट के रूप में जाके विदेशों में लुटाए, ये तो हमको दिक्कत है। तुम जाओ पुरुषार्थ करो, अपनी मेधा के बल पे, अपने गुण के बल पे, अपनी स्किल के बल पे, अपने आत्मबल पे पैसा कमा के लाओ ना अपने राष्ट्र के लिए, क्या दिक्कत है उसमें। पूरी पृथ्वी के दरवाजे खुले पड़े हैं, भारत सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती, इसलिए ध्यान रखो भविष्य का युवा कैसा हो। आप पूछ रहे हैं भविष्य का युवा, कागजों के टुकड़े तो उसके पास हो, खैर वो जरूरी है आजकल, जिनको डिग्री कहते हैं, लेकिन स्किल बेस हो। भविष्य का युवा कैसा हो, स्किल बेस हो। एक युवा मेरे जैसे साधु के पास पहुंचा, बाबा जी कोई काम धंधा दिलवा दो। हाँ भैया दिलवा देंगे, कितना पढ़ा हुआ है, मैं तो बीए किया हूं, ऐसे बोल देते ना कोई डिग्री। तो साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, एक डेयरी वाले मेरे दोस्त हैं और आपको हम दूध निकालने का काम दिलवा देते हैं 10,000 रुपये। तो ये कहा कि दूध
निकालना तो नहीं आता, मैं तो बीए किया हूं। कोई बात नहीं, एक मोटर गाड़ी वाले हमारे दोस्त हैं, वहां गाड़ी वाड़ी संवारने में वहां चले जाओ। तो उसने कहा कि गाड़ी संवारनी तो अपनी खराब हो जाए तो दूसरे के पास ले जानी पड़ती है, मैं तो बीए किया हूं। कहा कोई बात नहीं, एक किसान है, 150 एकड़ जमीन है, खेती कर लोगे? खेती तो अपने ही बाप की नहीं की, वो बेचारा वहां खेत में मरता रहा, मैं बीए के चक्कर में कॉलेज में बैठा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, दीपावली आ रही है, त्योहार आ रहे हैं, सनातन तो उत्सव धर्मिता है, लोगों के घरों पे रंग रोगन और पेंट करने के लिए कुची ब्रश दिलवा दूं? रंग रोगन तो नहीं करना था, मैं तो बीए किया हुआ हूं। तो भैया फिर भूखा ही मरेगा, स्किल नहीं है कोई भी। इसलिए ये कह रहा हूं, आगामी जो जो विश्व जिस तरह से बदल रहा है, कितने कितने ऑप्शन है अपने पास। एक ऑप्शन बता रहा हूं, अगर युवा चुनना चाहे तो सुनो रे इधर, हां ये ऑप्शन है। पूरे विश्व ने तुमको झूठ, फरेब, छल, मक्कारी, असभ्यता, कुसंस्कार ही दिए हैं, लेकिन ये भारत है कि पूरे विश्व को अभी भी धर्म गुरु या धर्म के बारे में कोई भी बात जाननी हो तो भारत उनको देता है। आपके धर्म गुरु पूरे विश्व में बैठे हैं, बेशक वे धर्म गुरु हो या धर्म गुरु, ये एक अलग मैटर, ये हमारे घर का मामला है। लेकिन क्या कह रहा हूं, जग्गी वासुदेव से लेके श्री श्री से लेके पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से लेके और तमाम संत हैं, पूरे विश्व में उनका धमाल है। तुम भारत में एक का भी नाम मुझे बता दो कि वो विदेशी धर्मगुरु और यहां भारत में कुछ शिक्षा बता रहा हो, कोई नहीं, शून्य। युवाओं को इस मार्ग को भी चुनना चाहिए, अगर उनके थोड़े से भी पुण्य उदय होते हैं तो अपने सनातन की, अपने संस्कृति की, अपने ज्ञान विज्ञान की, अपने यशस्वी पुरखों की, उनकी नगरीय व्यवस्था की, उनके धर्म कर्म की, उनकी ज्ञान उपासना की, आत्मिक आध्यात्मिक चेतना को कैसे सुमेरु पर्वत से ऊपर उठा दिया जाए, एवरेस्ट से ऊपर उठा दिया जाए। दुनिया तरस रही है, भारत की तरफ देख रही है, आने वाला भविष्य भारत के युवाओं के कंधों पर रखा है। इस फील्ड में भी वे आए, अभी दुबई से रिंकी जैन हमारी एक फेसबुक मित्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि फेसबुक वाले बाबा जी, मैं कभी कभी चलाता हूं, रिंकी जैन दुबई से, उन्होंने ये कहा कि महाराज जी आप दुबई आओ। तो हमने कहा किस लिए? अच्छी समृद्ध महिला हैं और वहां शेख, वो एक बोरी जैसा पूरा कुर्ता नहीं पहन के घूमते हैं सिर पे कुछ बांध के, वो होते हैं, ओढ़ने पहनने की कोई संस्कृति नहीं है, कुछ भी पहन के चल दिए। तो वे बोली कि ये शेख और ये आके ये कह रहे हैं कि अगर भारत से कोई अच्छा सा आचार्य या धर्मगुरु आ जाए, वैसे तो हमारे यहाँ कानून थोड़े टाइट हैं, लेकिन हम अपने कुर्ते निकाल के और जींस पैंट पहन के ताकि पहचान में ना आए, और चोरी छिपे आके थोड़े आध्यात्मिक व्याख्यान प्रवचन सुन लिया करें और थोड़ा योग ध्यान सीख ले, हमारा भी कल्याण हो जाए। लो, चोरी छिपे आने को तैयार हैं, 20 बार हमको फोन करके बुला चुके। तो मैं ये कह रहा हूं, उनकी बात तो चलो उन्होंने हमें बता दी, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है आपके यशस्वी पुरखों के ज्ञान विज्ञान का, आपके प्रकाश का, आपके पास वो संपदा वो संपत्ति जिससे मानवीय चेतना ऐसे एवरेस्ट को छुए, वो सिर्फ आप लोगों के पास है, आपकी बपौती है। युवाओं को इस फील्ड में भी बहुत अति से जागरूक रहना चाहिए। इतना ही, फिर और कुछ पूछेंगे तो फिर बताएंगे। हाँ स्वामी जी, एक अंतिम प्रश्न जैसा ही है ये, इसके बाद हम दर्शकों की ओर जाएंगे। ठीक। मैं जानकारी चाह रहा था, यहाँ पर साहित्यकार युवा हैं। हाँ, हम जानते हैं कि साहित्य का जो अवदान है वो एक सनातन परंपरा को अक्षुण बनाए रखने के लिए बहुत ही बड़ा रहा है। आज का युवा अपने वांग्मय को किस प्रकार साहित्य के रेफरेंस में यूज कर सकता है? आप चूंकि आचार्य हैं तो साहित्य, उपनिषद और हमारे ज्ञान का जो प्रवाह है वो साहित्य कैसे एक साहित्यकार युवा के लिए उपयोगी हो सकता है, उपयोगी बन सकता है, इस संबंध में। ठीक है, बहुत अच्छा। पहले एक प्रसंग सुनो छोटा सा, 2-3 मिनट का। मंचों पे चले जाते हैं, जाना पड़ता, मजबूरी है, काम ऐसा चुन लिया,
तो कितने लोगों को मैंने देखा, एजुकेटेड लोग, इंटेलेक्चुअल, अपने आप को एक और शब्द लगा लो अच्छा रहेगा, इंटेलेक्चुअल इडियट्स, हाँ अब ठीक है, इंटेलेक्चुअल इडियट्स जो एकेडमिक उसमें बहुत ऊपर चले गए हैं, यहां बैठ के मेरे ही आगे, अरे कम से कम शर्म करो, हमारे आगे तो मत कहो, हम पकड़ लेंगे तुम्हारी बात को। लेकिन कहते हैं भैया मूर्खता की कोई सीमा होती है क्या, जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले अरले ही, आचार्य के आगे कुछ हो कह बैठेंगे तो ये कहेंगे। देखो एक ये साहित्य के बारे में बता रहा हूं, साहित्य की बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित एक पंक्ति, वसुधैव कुटुंबकम, सुनी है? हाँ ठीक है। ये कहेंगे कि हमारी तो संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, बहुत से साहित्यकार मैंने इसको इस्तेमाल करते देखे सुने हैं, डांटने पीटने पे मान जाते हैं लेकिन फिर भी एक भी इस पंक्ति को प्रयोग करने वाला व्यक्ति, अगर मैं उससे पलट के पूछ लूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना पलट के पूछना सीखना होगा कि भैया ये पूरा श्लोक बोलो, पहली बात तो 99% गायब हो जाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम तो कहना आता है, पूरा श्लोक नहीं बोल पाएंगे, फिर जो 1% बचेंगे वे पूरा श्लोक बोल देंगे, अयम निज को पर एतत्तु लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अब तीसरी बात उनसे पूछ लो, चलो ठीक है जैसे तैसे भैया मर पड़ के तुमने श्लोक बोल दिया, अपनी इज्जत बचा ली, हालांकि बची नहीं है, फिर भी एक वहम होता है व्यक्ति को, ये कहां से है, बस हो गया साहित्य। चार पांच जगह विक्रमचरित में भी ये बात है, यही पूरा श्लोक ज्यों का त्यों, और एक ये पशु पंछियों की कहानियों का अपने पास ग्रंथ है पंचतंत्र, उसमें भी है, हितोपदेश में भी है, और एक उपनिषद में भी कहीं पढ़ा हूं मैं, चार जगह तो इस श्लोक को मैं पढ़ चुका कम से कम। वहां एक प्रसंग है, हिरण है, हिरण नाम है चित्रक, क्या नाम है चित्रक, और एक भेड़िया है, भेड़िया उसका नाम है क्षुद्र बुद्धि, क्या नाम है क्षुद्र बुद्धि, और एक कौआ है उसका नाम है सुबुद्धि, क्या नाम है सुबुद्धि, चित्रक क्षुद्र बुद्धि सुबुद्धि। क्षुद्र बुद्धि ने कहा हिरण को भेड़िए ने, अरे चल यार अपन लोग एक जंगल में रहते हैं और ये पुराने समय की मार काट के किस्से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं सात्विक आदमी हूं, चल आज तेरी पार्टी मेरे घर पे, हिरण को ऐसे बोला, हिरण भी बातों में आ गया और चल पड़ा। जैसे अभी हरे जेहादी पैसाचिक राक्षस कुछ भी कह देते हैं और विश्वास कर लेते हैं भारत के लोग, स्मृति भ्रंश भूल जाते हैं, तो हिरण चल पड़ा, कौए ने देखा, कौए ने कहा अरे कहां जा रहा है भैया, वो पार्टी करने जा रहे हैं, मेरे दोस्त के घर पार्टी है। तो उसने कहा कि पार्टी तो है लेकिन उस पार्टी में जो पकेगा वो तुम ही हो, प्लेट में तो तुम ही जाने हो, मत जाओ ये भेड़िया है। तो भेड़िए ने कहा कि आयम निज को पर ए तत्तु लघु चेत साम, ये तो छोटे मन वालों की बात है कि ये मैं हूं ये तू है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, अरे उदार हृदय वालों का तो वसुधैव कुटुंबकम ही नारा है, हम सब परिवार हैं आजा, आया तो सीधा प्लेट में डिनर, वाह। तो जो व्यक्ति जड़ बुद्धिता के चलते, ये देखो साहित्य की बात बता रहा था, आपको प्लेट में जो सजाना चाहता है वो आपको वसुधैव कुटुंबकम की ही बात करेगा। जैसे ही कोई व्यक्ति ये कहे कि भाईचारा, तो समझ जाओ कि सिर्फ चारा हो, भाई तो अगला है, पक्की बात। हाँ वसुधैव कुटुंबकम, आपको डिनर तक ले जाना, कैसे आप टेस्टी ज्यादा से ज्यादा यम्मी हो जाएं, उसके लिए तो साहित्यकार बंधु सभी, जो भी जिस उम्र का हो, युवा ही होते हैं साहित्यकार और बूढ़ा असंभव, तो सब युवाओं को एक संदेश है
कि जितने फेक नैरेटिव साहित्य में गढ़े गए, जैसे जैसे देखो आपको एक फेक नैरेटिव बताता हूं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुना है ये? वाह कितनी गौरवमयी पंक्तियां हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। टाइम तो हाँ ठीक, 5-7 मिनट ठीक। अब अगर यहां बैठे हुए ये जितने पुरुष महानुभाव हैं उसको तो आप मर्दानी कह रहे हो, अगर आप लोगों को मैं कह दूं तो ये जनानियां, जनाना या बहन जी, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अभी मैं आपको कह दूं बहन जी खड़े हो जाओ, वो मर्दानी हो सकती है, तुम जनाना नहीं हो सकती, समझ रहे हैं बात? महिला सम्मेलन दिल्ली में हो रहा था माता भगवती, और हमको वहां देखो, ये भी इस देश के लिए मतलब क्या अकाल पड़ गया है, राजधानी में महिला सम्मेलन हो रहा है और बोलने के लिए पुरुष को बुला रहे हैं बाबा जी को, हद हो गई, डूब के मरने की बात। लेकिन ठीक है, वो तो उनको मरना चाहिए जो आयोजन कर रहे थे, अपन तो पहुंच ही गए। हां भाई, कम से कम उस समय तो ऐसी यशस्विनी पूज्या देवियां इस समय यहां इस धरा पे हैं, कम से कम उनमें तो उनको बुला लो, उसमें भी हमको बुला रहे, कोई बात नहीं, दया के पात्र हैं बेचारे। हां वहां मुझसे पहले वक्ता ने कहा कि झांसी वाली रानी थी और अवंती बाई थी और दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ती थी और ये करती थी वो करती थी, ऐसे एक जोशीला भाषण दिया। और क्या हो गया है आज की नारियों को, ऐसा बोल के दी एंड। आज की नारियों को तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक भिखारी जा रहा था उधर से, मैम रेबन के 4-5 हजार रुपए के बढ़िया चश्मे लगा के और कुत्ता लेके आ रही थी, और उस भिखारी को देख के बोली, अरे भिखारी रामजादे, देखा देखा लग रहा है। तो बोला, अरे बीबी जी आपको पता नहीं, आप और मैं फेसबुक पे फ्रेंड हैं, ये हो गया आजकल की नारियों को, कोई बात नहीं। उसने ऐसी जोश की ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताई, हमारे हाथ में माइक आया, वो तो आना ही था, समय चक्कर तो घूमता है, अभी तो कह रही थी भगवती, धर्म चक्र घूमा, हमारे हाथ में आया, हमने ये कहा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ो, ये तो डूब मरने की बात है कि तुम्हारी कोख इतनी बांझ हो गई कि जो महाराणा प्रताप जैसे, भगत सिंह जैसे और ऐसे वीर जो अपनी टंकार से इस पृथ्वी को हिला दे, तुम उनको पैदा नहीं कर पा रही हो, इसलिए तुमको दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ना पड़ रहा है। परमेश्वर ने तुमको अपने समतुल्य रखा और सृजन की शक्ति दी, तो महिला सशक्तिकरण अगर चाहते हो तो घोड़े पे बैठ के दोनों हाथों में तलवार लेके प्लीज लड़ना बंद करो, और अपनी दिव्य कोख से ऐसी संतानें पैदा करो कि आके ऐसे सामने खड़ा हो जाए तो घोड़े से लेके मनुष्य हर चीज में भगदड़ मच जाए, ये है महिला सशक्तिकरण। नहीं तो फिर चलते रहेंगे फेक नैरेटिव। ठीक है, एक आध बात विषयांतर भी कभी कभी हो जानी चाहिए ताकि तुम सो ना जी। तो आज का यह सत्र जो है हम सभी के लिए बहुत प्रभावी और ज्ञानप्रद रहा होगा, सभी साहित्यकार बंधु भगिनी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम में से कोई केवल एक प्रश्न यदि पूछना चाहता है, और वो भी सीमित शब्दों में, और उसका विषय रहेगा भारतीय युवा और विमर्श। मामी जी से मेरा प्रश्न है। जी भैया, युवा बैठे हुए हैं तो युवा को एक ऐसा, युवा क्या करे कि जिससे उसको जिम्मेदारी लेने का भाव जागृत हो सके? सही, अभी की स्थिति यह है कि जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं युवा। हाँ, तो वर्तमान युवा के लिए जिम्मेदारी का भाव जागृत हो, उसमें शक्ति संचय कैसे हो, उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, एक बात तो ये कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है, युवाओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो हर जगह बूढ़े लोग कब जाकर के बैठ गए, वे तुमको जिम्मेदारी देंगे नहीं। तो पहली बात तो ये करो कि जिम्मेदारी
लो, और दूसरी बात ये करो कि जिम्मेदारी लेने के लिए कितने संगठनों में, मैं तो देखता हूं 60-70 साल से बड़ी उम्र के ही लोग, वो राजा भोज की अभी बात कर रहे थे कि उन्होंने वो रोबोट आदि का कोई चर्चा किया, आप लोग में से कोई था वो रोबोट के चर्चा में? हाँ, कि वो ऐसे हाथ हिलाता और ऐसे, राजा भोज ने रोबोट का चर्चा किया है। राजा भोज को क्या पता था कि रोबोट इस देश के आगे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हाँ, दुर्भाग्य इस देश का। तो भैया जिम्मेदारी लेने के काबिल बनो, और काबिल बनने के बाद जिम्मेदारी कह के लो, दी नहीं जाती जिम्मेदारी, एक बात। दूसरी बात, योग्यता है साइकिल चलाने की और जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं जहाज उड़ाने की, तो अभी मार दोगे दुनिया को। जिम्मेदारी है, योग्यता है, एक भैंस को भी नहीं संभाल सकते इतनी न्यून, और जिम्मेदारी चाहते हो कि बड़ा डेयरी फार्म खोल लूं 10,000 भैंसों का, मार डालोगे। योग्यता इतनी भी नहीं है कि एक गऊ की एक साल सेवा की हो। जिम्मेदारी चाहते हो कि पूरे भारत की गौशालाओं का दायित्व और नेतृत्व मेरे पास आए। जिम्मेदारियां मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो युवा शक्ति है। लेकिन जिम्मेदारी से उसको लेने के लिए इतना एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं है, पहले अपने अंदर वो स्किल भी युवा पैदा करें, आत्मबल पैदा करें। अभी आत्मबल नहीं है, मैंने वही तो बताया अभी 2 मिनट पहले, उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती, वो शर्म की क्या बात है विदेश जाने में, तो बोला विदेश की नहीं है, तुमको जेल भेज रहे, नकली कागज है, समझे? इतना आत्मबल होना चाहिए कि कागज बेशक नकली हो, छोरा तो असली है, असली छोरे बन जाओ, जिम्मेदारियां मिल जाएंगी। हाँ, आत्मबल पैदा करो भैया, और आत्मबल ध्यान से, योग से, साधना से, माता पिता की सेवा से, गुरु इष्ट की भक्ति से, सात्विक शुद्ध खाने से, प्रतिदिन व्यायाम से, हजारों तरीके हैं उसको बढ़ाने के, वो बढ़ जाएगा, उसका प्रयास किया करो। ठीक, आज के सत्र का सार यही है जिसका मैंने पहले में उल्लेख किया था कि भारतीय युवाओं का अज्ञान भी विचित्र है, वो स्वयं के बारे में नहीं जानते। हम स्वयं के बारे में जाने और उसको इतना जाने कि हमारी योग्यताएं निखर सके। आदरणीय पूज्य स्वामी जी को धन्यवाद करता हूं, आप सभी को भी धन्यवाद है।